अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंस अकेडमी विद लेक्चर नंबर 6.5 बवा चैप्टर नंबर 6-5 लेक्चर आ जो ग्रेविटेशन चैप्टर टॉपिक है वेट ऑफ बॉडीज प्लेस्ड इन एन एलिवेटर अनसोवा एलिवेटर फ्रेम आसान जो पोते सा पढ़िया है त वेट पोजीशन पे डिपेंड करे बॉडी जे पोजिशन मतलब है तो वह बॉडी प्लेनेट जो सरफेस ते या कड़े प्लेनेट ते या सरफेस का यानी उनके सेंटर का केतरो परे या केतरो वेझो तो वेट वेरिएबल क्वांटिटी बो वेट डिपेंड करे पई यानी जै फ्रेम में बॉडी पई उनकी मोशन से हाँ एलिवेटर एक फ्रेम आ तवाजो तजुर्बो हों एक्सपीरियंस हों लिफ्ट जी आम लिफ्ट चब बिल्डिंग के मथे मू वींदाठी हाँ इनके एलिवेटर चब बेसिकली हाँ साइंसी बोली में यो एलिवेटर है पर आम लैंग्वेज में इनके लिफ्ट तो चाहिए हाँ एलिवेटर में तसो तो बबा तेड़ो जी मेल एलिवेटर मथे चढ़ा तो कैफियत तेड़ो एहसास जन तो तुम वजन वे तो या जी बट एलिवेटर मूव तो थे ती ती वेट फिजिकली वी वी महसूस पर जी एलिवेटर वरी हेट स्टार्ट तो वरी बो एहसास जन तल्का वाकई भी वजन घटी वो माना हाँ जो मथे का शी पर शर्त यो तो एक्सलरेशन से जर एक्सलरेशन से का शे मथे वजे थी जमीन तो उनके पोते छिके थी पर जर वरी मथे थी वजे तो रहो छिक वी वी माना वेट वी वी पर हाँ जी शे वरी एक्सलरेशन से हेठ इंदी अंसो बॉडी हेठ अचे थी तो वरी जमीन उनके थी हेठ करे पर एक्सलरेशन से बॉडी हेठ इंदी तो उनते फोर्स घटी वो माना उनकी वेट जन घटी वी तो बॉडी एक्सेलरेशन से मथे वी तो जोर लग माना वेट वी वी जो वेट खबर दैट इज पुल ऑफ अर्थ ऑन अ बॉडी वेट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अ बॉडी या एक्सर्टेड बाय एनी प्लेनेट ऑन अ बॉडी ओके जो थोड़ो एलिवेटर ऐसा मुख्तलिफ स्पेशल केसिस हाँ इन में केस नंबर वन आ बबा जो ये एलिवेटर फर्ज कर लिफ्ट हाँ एलिवेटर में फर्ज कर बॉडी सस्पेंड लगी पी आसो वेइंग मशीन हाँ एक बॉडी है जेका ये हुक लगल है इनमें इन हुक में एक बॉडी बधी पी आ ठीक है बबा हाँ ये बॉडी फर्ज कर ये बॉडी जब किलोग्राम की आ ब किलोग्राम की बॉडी आ या एलिवेटर नंबर केस नंबर वन इफ एलिवेटर इज एट एलिवेटर इज एट रेस्ट जर एलिवेटर रेस्ट में आ ठीक है एलिवेटर के बबा इत मथे इनकी सीलिंग में छित में ये असो वेंग मशीन टंगी पी आ हाँ ब किलोग्राम की बॉडी जाहिर है इनकी वेट कारी है वेट डब्ल्यू जी इक्वल टू एम जी डाउनवर्ड वेट आ केतरी वेट आ ब किलोग्राम की बॉडी दिसो डब्ल्यू जी इक्वल टू एम जी तो डब्ल्यू जी इक्वल टू ब किलोग्राम बॉडी आ 9.8 तो वेट आ इनकी 19.6 लिखी वो इन वेइंग मशीन के मीटर से हाँ वेट आ मास ब किलोग्राम वेट 19.6 आ कंडीशन कड़ी आ केस कड़ो आ एलिवेटर रेस्ट में आ सागे नमूने से जर एक वेइंग मशीन आई इनते हिड़ो फर्ज कर मू चढ़ बीठो वेइंग मशीन छा में आ रेस्ट में आन मानू जो हाँ जो एक्चुअल वजन आ ये मशीन वो एक्चुअल वजन ही बुधाई एक्चुअल वेट जैसे चाहिए ओके हाँ बबा इतने ऐसो जो इतने जो रसो आ रसे में जी छिक होंगी
एलिवेटर जी ना रेस्ट में आ त जे को वेट होंदी वो आई रिएक्शन हो तो माने रस्से में छकब टेंशन जितनी होंदी आ एक्शन रिएक्शन पाण में बराबर थिना है आण जगर वेट फर्स्ट के हो वेट आए 19.6 न्यूटन त टेंशन बेत्र होई आए माना इन दिस केस थाथिंदो जगर एलिवेटर रेस्ट में आ त पोए एम जी इज इक्वल टू टेंशन आर वेट एक्चुअल इज इक्वल टू टेंशन के बराबर थी दिया तो याद रखो एलिवेटर रेस्ट में आ त पोए रस्से में छिक जका हुंदी ये बॉडी जका एट वेट आ रस्से में रिएक्शनरी फोर्स डेवलप नो छिक पैदा थी दी उन छिक जो मैग्नीट्यूड आई वेट जो मैग्नीट्यूड साल हो हाड़ी दासी केस नंबर 2 When elevator ascends, case number two, when an elevator ascending with acceleration. Ascending with acceleration A. Ascending बाबा मथे हो जाना elevator जगह मथे तो हो जाए acceleration सा तब पे याद रखे चले हो तो आने तो सो आने मथे तो हो जाए मना लाजमिया ये body मथे दी बने चाकरण जो tension मथे acceleration दी बने मना tension वधी का weight घटा unbalanced condition थी वही माना टेंशन वधी का ते जे करे वेट के मत खयो दो वने एक्सेलरेट तो कराए वेट डाउनवर्ड आ माना इन दिस केस चाहती नो इन दिस केस केस नंबर 2 में टेंशन इजाफिया आई वेट माइनस में आ जे को अनबैलेंस फोर्स बचंदो कोई छा तो करे बाबा इन बॉडी में एक्सेलरेशन तो पैदा करे यानी न्यूटन जो सेकंड लॉ अप्लाई करे तो टेंशन वधी का पोएते वेट मना वधी के शे पेरा लिख भी आई वेट उने जे अगेंस्ट ठीक है जे को डिफरेंस बचंदो वो इन 2 किलोग्राम पानी में जातो पैदा करे एक्सेलरेशन आणे टेंशन बराबर एरी परते के उसा के टेंशन बराबर एम जी प्लस एम ए दूसरा वाले सुबह दाल चाहती जो एक्चुअली चाहे जो टेंशन बराबर हुंदो आहे वेट जे माना ई ॾिसो मथे असां लिखी आहियूं त टेंशन बराबर छा जे टेंशन बराबर वेट जे या एक्चुअल सूरत आहे टेंशन बराबर थियणु खपे वेट जे पर हिते छा आहे हिन सूरत में टेंशन रुगो वेट जे बराबर कोन्हे पर टेंशन तॾहिं थो वेट जे बराबर थिए जॾहिं हीअ अमाउंट हेठि थो थिए माना हाणे टेंशन वधी वियो आहे टेंशन साॻियो एम वेट जे बराबर एक्चुअल वेट जे बराबर कोन्हे को रिएक्शन वधी वियो आहे रिएक्शन में जॾहिं असां टेंशन माना रिएक्शन इहो रिएक्शन हाणे वेट जे बराबर कोन्हे पर ही अमाउंट इज़ाफ़ी अमाउंट एम ए अमाउंट टेंशन वधी वियो रिएक्शन छो वधी वियो आहे छाकाणि जो एक्शन वधी वियो एक्शन माना ही रिएक्शन तॾहिं वधियो आहे जॾहिं एक्शन वधियो आहे माना वेट जेका टेंशन में ही इज़ाफ़ो थो थिए पियो एम ए अमाउंट इज़ाफ़ो थियो आहे न त टेंशन वेट जे बराबरि आहे हाणे टेंशन वेट जे बराबरि तॾहिं थो थिए जॾहिं असां हुन में एम ए अमाउंट एड था कयूं माना हिन जो मतिलबु आहे त रिएक्शन वधी वियो आहे एम ए अमाउंट रिएक्शन वधी वियो आहे छाकाणि जो नई वेट जेका पिण एम ए अमाउंट वधी वई एम जी प्लस एम ए छाकाणि जो नओं टेंशन आहे उहो एतिरो इज़ाफ़ी थियो आहे नई टेंशन में छाकाणि जो टेंशन रिएक्शन आहे इन जे करे रिएक्शन वधियो आहे छाकाणि जो एक्शन वधी वियो आहे माना वेट वधी वई आहे हाणे इहा अपरेंट वेट आहे हिन बॉडीअ जी वेट वधी वई आहे तंहिंजे करे बाबा टेंशन वधी वियो एम ए अमाउंट टेंशन वधियो आहे छाकाणि जो एक्शन वधियो आहे हाणे ड्यूरिंग एक्सेलरेशन हिन जी वेट जेका आहे सा एम जी जे बराबरि न आहे पर एम ए अमाउंट वधी वई माना बॉडी मथे वेंदी त कंहिं बि बॉडीअ जो वेट जेका हूंदी हाणे हिनखे चइबो आहे अपरेंट वेट दिस इज़ कॉल्ड अपरेंट वेट ए डबल पी ए आर ई एन टी अपरेंट वेट ओके अपरेंट
इस्तेमाल कबा तो एक्चुअल वैल्यू में के रीजन के करे जका तब्दीली अचे तो उन के अपरेंट वैल्यू चबो आ ने एक्चुअल वैल्यू वेट जो 19.6 न्यूटन आ पर अपरेंट वेट वो डिपेंडिंग करे एक्सीलरेशन कितनी आ तो ये तेली सा फार्मूला इस्तेमाल करना थी ता ओवरऑल याद रखी छजो जरे बॉडी एक्सीलरेशन सा मथे वने तो उन की वेट एम ए अमाउंट वदी दी आ केत्रो अमाउंट एम ए अमाउंट वदी दी वरी जी करें इफ एलिवेटर इज डिसेंडिंग नंबर केस नंबर थ्री केस थ्री व्हेन बाबा व्हेन एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग 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 जो मतलब आए तो डिसेंडिंग माना हेठ अचण डिसेंडिंग विथ एक्सेलरेशन ए हाँ एक्सेलरेशन जर एलिवेटर बाबा हेठ ही डिसेंडिंग जर हेठ ही तो याद रखी छोड़ो जर एलिवेटर एक्सेलरेशन से यो एलिवेटर हेठ तो अचे तो ये सभी बॉडी एक्सेलरेशन से हेठ इंद हाँ ये बॉडी एक्सेलरेशन हेठ थी अचे माना हाँ वेट इन मतलब आए तो वेट टेंशन उनकी अपोजिट आ माना ये वेट हेठ फोर्स टेंशन घटती ठीक है माना एम जी तो लिखा तो आए इज इक्वल हाँ अनबैलेंस फोर्स जो भी यो एक्सेलरेशन तो पैदा करे जेका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन न्यूटन जो सेकंड लॉ अप्लाई कर माना वेट वधी वही ये अनबैलेंस जो नेट फोर्स आ माना वेट में टेंशन माइनस जो बकाया फोर्स बचंदो वो इन किलोग्राम मास में जा तो पैदा करे एक्सेलरेशन एंड सो असान के थोड़ी रदो बदल के असान के रहने के माम एम जी ही शेरेटर पाया तो माइनस एम ए इज इक्वल टू पर टेंशन आर टेंशन बराबर एम जी माइनस एम ए जो वरी सो ताल बदल जी भाई एक्चुअली सिंस असान खबर आ तो टेंशन छाजे बराबर होंगे टेंशन बराबर होने खपे एम जी के एक्चुअल कंडीशन तो यही है माना रिएक्शन बराबर हो एक्शन के करे पर हिते रिएक्शन बराबर वेट के तरह तो थे जद वेट में वो ही अमाउंट माइनस तो थे माना रिएक्शन घटी वो रिएक्शन छो घटी वो एक्शन में ही अमाउंट रिड्यूस थी वो माना आर ऐसो जर नओ टेंशन थो माना ये वेट जो वेट थी माना जैसे अस डब्ल्यू से माना या वेट भी नहीं है तो वेट अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट में एम ए अमाउंट माइनस था क्यों ती नई वेट आ जिका रिड्यूस्ड वेट आ अपरेंट वेट जेडी मेल बॉडी हेठ इंदी तो अपरेंट वेट एक्चुअल वेट में फर्क आ अपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर तरह थी थे जैसे एक्चुअल वेट में एम ए अमाउंट माइनस तो थे माना तो एक्चुअल वेट रिड्यूस थे माना जो नई वेट आट आ केतो घट आ एम ए अमाउंट घट आ मथे था वनू तो एम ए अमाउंट वेट वधी थी वे तो ये फार्मूलो असो इस्तेमाल बाबा जर का बॉडी डिसेंड थी थे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अचे थी पी तो अपरेंट वेट माना जो नई वेट आटी वी केतो अमाउंट थी घटे एम ए अमाउंट वेट इज रिड्यूस्ड एम ए अमाउंट ये मथे थी वे तो एम ए अमाउंट वो प्लस थी तो वे ओके ती एलिवेटर जो बाबा रेस्ट में आ तो एक्शन रिएक्शन बराबर जर एलिवेटर मथे तो वे सर्टेन एक्सेलरेशन से तो जो नई वेट आ अपरेंट वेट जिका एम जी के बराबर कान थी थे पर तरह थी बराबर थे जो उनमें एम ए अमाउंट हेठ तो थे माना एम ए अमाउंट नई वेट वधी थी वे अड़े नमूने से जर बॉडी सर्टेन एक्सेलरेशन से हेठ थी अचे तो अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट में वो एम ए अमाउंट रिड्यूस तो थे माना एक्चुअल वेट घटती थी केतो अमाउंट थी घटती एम ए अमाउंट
साधे नमूने से हाँ वरी जर्ज़ कर एलिवेटर फॉर एग्जाम्पल नंबर फोर केस जर एलिवेटर बाबा तो ये नतीजा छा नतीजा ये आने मतलब है तो बॉडी की जो एक्चुअल वेट आने फ्रेम के मोशन से डिपेंड करो फ्रेम एक्सलरेट तो थे जर फ्रेम रेस्ट में आ तो एक्चुअल वेट जो मिसाल 19.6 फ्रेम मथे तो वे तो एक्चुअल वेट वधी थी वे इनका अमाउंट एमी अमाउंट फ्रेम हेट तो अचे एक्चुअल वेट वरी इन अमाउंट का रिड्यूस थी वे पर जर यो फ्रेम एक्चुअली मत केबल होंगी मत वा रस्ा हूँ लोह जहाँ जी मोटर जरिए एलिवेटर मथे वेटी हाँ जर केबल अचानक टुटी पाए एलिवेटर फ्री फॉल में हलो वो सब शूँ फ्री फॉल में होंगे माना वो एक्सेलरेशन चाहे बराबर होंगी जी के केस नंबर फोर इफ एलिवेटर मूव्स डाउन विथ फ्री फॉल माना फ्री फॉल में जर सब श्री फॉल में हाँ फ्री फॉल में पोचो ऐसो सिंस अस खबर अपरेंट वेट डाउनवर्ड में होंगी इज इक्वल टू एम जी माइनस अमाउंट एम ए ठीक है पर हाँ केतरी एक्सेलरेशन थी हेठ अचे ये एक्सेलरेशन ही है हाँ एक्सेलरेशन जो बराबर है ये जी की बराबर है माना ये एक्सेलरेशन या जी की बराबर थी माना अपरेंट वेट एम जी माइनस एम जी में कैंसल अपरेंट वेट इज इक्वल जीरो माना हाँ ये मानू वेइंग मशीन से बीठो आज वजन चेक कर वेइंग मशीन से तो जीरो ये फ्री फॉल दौरान इतने कांटो दिखारे तो बाबा वजन जो जीरो माना टेंशन जीरो थी माना टेंशन जीरो रिएक्शन जीरो जो वेट जीरो ड्यूरिंग फ्री फॉल कंडीशन आया तो फ्री फॉल दौरान याद रखे जो अपरेंट वेट जीरो अस जो मू फर्ज कर को मू फॉर एग्जाम्पल वेइंग मशीन पैं पेर में बधे तो पो यो मू बबा यो वेइंग मशीन पैं पेर में बधे तो पो पान के फ्री फॉल तो कराए माना जी के वैल्यू से हेट तो अचे वेइंग मशीन से वैल्यू एक्सेलरेशन वेट जो वैल्यू दिसो तो अचे वो ड्यूरिंग फ्री फॉल ही मू वेट वेइंग मशीन से दिसो तो अचे तो उनकी वेट जीरो होगी माना हाँ ड्यूरिंग फ्री फॉल जो वजन जीरो हाँ इनके चब आए वेटलेसनेस बेवजनी वाली हालत तो ड्यूरिंग फ्री फॉल अंदर सब शूँ बेवजनी वाली हालत में खुद इन फ्रेम एलिवेटर भी फ्री फॉल में आ इनजो टोटल वजन जीरो जो अपरेंट वेट सर भी इन फ्रेम की भी जीरो फ्रेम में अंदर जो भी शा रिलेटेड सभी जो वेट जीरो ही होंगी जैसे ड्यूरिंग फ्री फॉल ही मानू तो करे ही मानू इन हथ में इन मानू के हथ में बाल आ फर्ज कर इन मानू के हथ में बाल आ फ्री फॉल थी रही है यो मानू इन फ्री फॉल दौरान इन बाल में हथ कटे तो माना इन बाल के ये छड़े तो नहीं बाल आट इन बाल के फ्री फॉल दौरान जो इन हथ कटा तो यो बाल असि रिलेटिव असा गड ही गड माना असा हेठ नो पर यो बाल असा गडियो गडियो माना विथ रिस्पेक्ट अस माना विथ रिस्पेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द फ्रेम विल रिमेन रेस्ट माना यो बाल उन ऑब्जेक्ट्स के विथ रिस्पेक्ट ना बाल हेठ वो पर यो बाल इतने हों अलग श इन फ्रेम के विथ रिस्पेक्ट यो बाल सब ऑब्जेक्ट हूँ रेस्ट में हूँ पर आउटसाइड सब शूँ एक्सलेंट थी थन पाल एक्सलेंट होते पे पर इनसाइड द फ्रेम दिस बाल विल इन स्टेट ऑफ रेस्ट विथ रिस्पेक्ट इंटीरियर ऑफ द फ्रेम या विथ रिस्पेक्ट फ्रेम ओके तो ये कंडीशन थी हाँ इन अगर प्रॉब्लम्स कुछ प्रॉब्लम पा हल कहीं गाली क्लियर थी वो तुम
तो इन में कंक्लूजन कढ़ोसी नतीजो कढ़ोसी नतीजो यो तो कें भी बॉडी की वेट सो फ्रेम के मोशन से डिपेंड करे इन विच बॉडी इज प्लेस्ड जै फ्रेम में बॉडी पई है उन फ्रेम के मोशन से बॉडी की वेट डिपेंड करे ओके अल्लाह हाफिज़ पंजो ख्याल कर बाबा।